जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले गतवाड़ पंचायत की गांव लेठवी में पंडित हेमराज शर्मा अपने घर के पास शनि मंदिर का निर्माण कर रहे थे, तभी खुदाई के समय शनि देव की एक शिला निकली। लेठवी गांव के पंडित हेमराज आजकल शनि मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का कहना है कि वे 2 वर्षों से यहां कार्य कर रहे हैं और जब से मंदिर निर्माण का काम में कर रहे हैं तब से उन्हें रात को सोते समय अजीब सपने हो रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कारीगरों को शीघ्र मंदिर निर्माण करने की बात कही। उन्होंने कार्य में लगे कारीगर विश्वनाथ महाराणा, जो कि उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं और पूरे देश में मंदिर निर्माण का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि उन्हें रात को भी कभी कन्या रूप में देवी दर्शन होते हैं, कभी ज्योत के तो कभी सांप और कभी नवग्रह दिखाई देते हैं, और जब से यहां मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है तब से यहां भी इसी तरह के अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ है, और जिस दिन काम पर यहां जेसीबी मशीन लगाई गई थी उस दिन यहां सांप भी निकला था, और 15 दिनों के बाद यहां दोबारा सांप निकला और ये सांप वही था जिस पर शिला निकली है। पूजा अर्चना के बाद वे सांप यहां से चला गया। हेमराज शर्मा का कहना है जब से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया है तब से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जब खुदाई करते समय उन्हें मुख्य द्वार पर एक गुफा सी दिखाई दी, जब उसमें और खुदाई की गई तो उसमें एक शिला दिखाई दी, जब वह गहरा हो गया तो यह शिला निकल गई। इस शिला को जब साफ किया गया तो इसे काले रंग का पानी निकला। मान्यता के अनुसार शिंगणापुर में जब शनि शिला प्रकट हुई थी तब मामा भांजा के द्वारा ही उसे स्थापित किया गया था। ऐसा ही वाक्य यहां भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ये शिला यहां दिखी तो केवल पंडित हेमराज व उनके भांजे रमन ही यहां उपस्थित थे। पता चलने पर कुछ लोग भी आ गए, परंतु ये शिला किसी के द्वारा नहीं उठाई जा सकी, लेकिन जब हेमराज और उनके भांजे रमन कुमार ने इस शिला को उठाया तो ये पुष्प की तरह उठ गई और मंदिर में इसे स्थापित किया गया। हेमराज ने बताया कि उनके बुजुर्ग भी काफी समय से शनि महाराज का पूजन कर रहे हैं और ये प्रथा आगे भी चली आ रही है। तो जब शनि देव का सिंहासन और शनि शिला का सिंहासन बनाए थे तो मिस्त्री ने कहा कि आप जो है थोड़ा पौड़ी का काम कर लो। तो पौड़ी का काम करने जब मैं जब पहुंचा तो अचानक जो है संयोग ऐसा बना कि जिसके बीच में मैं और मेरा धर्मबोली जो बहन है उसका पुत्र रमन कुमार जो है मेरा भांजा जो है हम दोनों थोड़ी खुदाई में लग पड़े नीचे पौड़ी के सिहास इनके पौड़ी के पास गेट के पास। तो वहाँ पर थोड़ी देर खुदाई करने के पश्चात जो है ये परिस्थिति बनी कि वहाँ पर एक हमें थोड़ी सी गुफा दिखाई दी। तो गुफा के बीच में हमने सोचा कि कुछ और होगा, तो देखा और खुदवाई की, तो और खुदवाई करने के पश्चात जो है ये शिला हमें जो है ये प्रकट होती दिखाई दी। तो मैंने थोड़ा सा जो है लोह का सांप को नमस्कार किया और नमस्कार करने के पश्चात फिर वो सांप, लेकिन उसके पश्चात वह फिर वो सांप मुझे नज़र नहीं आया। तो कुछ समय के पश्चात फिर मैंने जो है शनिदेव मंदिर का कार्य जो है शुभारम्भ किया लेंटर के ऊपर। तो उसके पश्चात जो है शनिदेव के कार्य के बीच में जो है जो मिस्त्री थे वो भी बता रहे थे कि हमें स्वप्न होते हैं, कभी शनिदेव नज़र आते हैं, कभी नवग्रह आते हैं। तो एक दिन की बात वो बता रहे थे कि मुझे नवग्रह दिखाई दिए, तो नवग्रहों के पास थोड़ा सा धुआं पड़ा था, तो उस धुएं के बीच में से एक कन्या प्रकट हुई। तो कन्या प्रकट होकर के फिर मुझे पता नहीं लगा वो कन्या कहाँ चली गई। तो मैं ये भगवान का ही एक साक्षात्कार जो है समझता हूँ, जिस साक्षात्कार के बीच में जो है यानी कि ये परिस्थिति बनी कि भगवान की कोई कृपा प्रसाद बना होगा। तो मिस्त्री जी से मैं कई बार कह रहा था कि अब शनि का सिंहासन